कौसरबाजी इतने दिलों पे क्यों छाई, ये इनको मैं क्रेडिट दूंगी कि इन इन ये बहुत बड़ी बात होती है जिस दिल से इन्होंने शेयरिंग करना बहुत मुश्किल है की भी वजह से, मेरी अपनी मजबूरी थी, सिचुएशन डिफरेंट थी, सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन आ गई मैं तो छा गई मैं, सिचुएशन ये बड़ा मजेदार लोग बताएंगे ऐसे कौन कहता अच्छा भाई हमने कब आ गई मैं तो छा गई मैं इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, तो यहाँ पे तो हम कहीं वरना ये तो फिर रात हो जाएगी लेकिन ये चीज़ नहीं ख़त्म होने वाली, तो हम इस बारे में बहुत बाद में बात करेंगे, बहुत सारी गुजमा इनसे बात कराइए नहीं, 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 नहीं भाई ये स्ट्रॉन्ग गुजमा है और स्ट्रॉन्ग ही रहेंगी, जो वीक बोल रहे हैं वो शायद खुद वीक हैं, तो चलें सबसे पहले हम कौसरबाजी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौसरबाजी अपने घर में थी, आपको पता चला आपकी शादी होने वाली है, तो क्या हुआ जब अपना थोड़ा वहाँ से बताएं कि जब आपको बताया कि आपकी शादी होने वाली है आपको कैसा लगा, आपको ये भी पता होगा कि किससे होने वाली है, उस आपको क्या आके बताया था ये बताइए। मुझे मेरी बहन ने बात की थी मुझसे, तो ना तब मैंने उनसे बात नहीं करती थी, पता नहीं कोई लड़ाई थी, तो मैं थोड़ा सा ना उनके साथ बोलती नहीं थी, तो उन्होंने ना एक तो बात करने में पूरा घंटा लगा दिया, ये वो उधर उधर कहती मैंने आपकी शादी करनी है, लाहौर में है उनका डॉक्टर है वो, मैंने आगे से एक ही जॉब किया, मैं क्या करूं, पंजाबी में जो कहते हैं मैं की करा ऐसे ही। तो फिर जब उन्होंने बताया ना कि जुबार के साथ तुम्हारी शादी करनी है, मैंने एकदम मेरा यही रिएक्शन था, मैंने कहा तू पागल, वो तो भाई है, यानी कि हम शुरू से उन्हें भाई कहते थे। अच्छा। जी तो मेरी बेटी ज़रा रोने लग गई, तो उज़्मा बाजी ज़रा उसको लेकर गई हैं क्योंकि वो उनके पास तो फिर भी चली जाती है, तो चलें हम आपसे ये बात पूछ रहे थे कि जब आपको रिश्ते के बारे में आपकी बहन ने आपसे बात करी तो वो क्या बात की थी? उन्होंने बात बहुत ही घुमा कर की, शादी करनी है लाहौर में है तो मैं करूँगी तो क्या होगा, तुम ठीक हो खुश हो, मैंने कहा एक ही बात की, मैंने कहा बाजी जो बात करनी है साफ साफ क्लियर करें जी, कहती यानी कि वो डॉक्टर है, फिर मैंने कहा मैं क्या करूं फिर वो डॉक्टर है तो तो कहती कि नहीं तुम बताओ तुम खुश होगी, मैंने कहा जो जहाँ भी करेंगे ना आप ठीक है, तो कहती वो जुबार है, हैं तुम पागल हो क्योंकि आप उनको भाई समझती थी, भाई कहते थे हम शुरू से, यानी कि हम अपने सारे कज़नों का ना भाई कहते थे, चले सगे तो नहीं थे ना, तो फिर मैंने कहा तुम पागल हो, मैंने जुबार भाई से करनी है जादी तब कहा था अच्छा, मैंने कहा तुम नहीं पहले तो होते ही हैं भाई फिर बाद में ही पता चल जाता है, फिर मैंने अपने अब्बू से बात की, मैंने कहा अब्बू बाजी की क्या कह रही है ये, अब्बू कहते मुझे ना बताना, मैंने कहा क्यों, मेरा सब कुछ तो आप ही हैं मेरी अम्मी नहीं है, तो उन्होंने ही मुझे पाला। अच्छा माशाल्लाह। मेरी बड़ी बहन ने और उसने उन्होंने। अच्छा चलें कोई बात नहीं, आप इस तरीके से बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि बाप अगर माँ का इंतकाल हो जाए किसी वजह से, बीमारी बीमार थी ना आपकी अम्मी जी, इनकी अम्मी बीमार थी और उनका इंतकाल हो गया था, तो बचपन से इनके फादर ने इनको पाला है और बड़ा किया माशाल्लाह से, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुश नसीब है, वरना कितने लोग छोड़ देते हैं अपनी औलाद को कि हमसे बच्चे नहीं पल रहे, तो ये आप शुक्र अदा करें और लोगों को हिम्मत दें इस बात से कि मेरे अब्बू इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी माशाल्लाह से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि उन्होंने माँ बन के पाला, माँ बनना इतना आसान नहीं होता लेकिन आपके अब्बू ने पाला, तो इनके फादर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया था कि इनके अब्बू ने इनको छोटी सी ये थी 1-1.5 साल की और इनको इस तरीके से इतना बड़ा किया, तो चलें यहाँ पर हुई शादी तो फिर सब खुशी खुशी राजी थे। हाँ जी सब, मेरे अब्बू कहता अगर तुम खुश हो तो हम करते हैं, मैंने कहा अब्बू जहाँ पर आप करेंगे ना मैं वहाँ पर खुश। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिर आपकी शादी, आप अपनी शादी वाले दिन आपको कैसा अच्छा लग रहा था बहुत कि आज मेरी शादी है मुझे दुख हो रहा था कि मेरी अम्मी नहीं है, तो मेरे अब्बू ने कहा जैसे मैं पहले तुम्हारे साथ रहता था वैसे ही रहूँगा। बिल्कुल
तुम ये कभी ना कहना कि तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि देखिए उन्होंने कितनी मेहनत की आपको। आज तक मैं बताऊँ ना, मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि मेरी अम्मी नहीं है। तो मेरे अब्बू ने मेरे सिर पे हाथ रखा, अब कहता घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इतनी बड़ी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माशाल्लाह से आपको जब्बार भाई मिले, उज़्मा बाजी मिली, ये आप लोगों की आपकी लाइफ में कैसी हैं जी? बहुत अच्छे हैं। मैं वैसे तो ये कैमरे के सामने, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैमरे के सामने ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन वैसे नहीं है बात। बाजी उज़्मा बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और तो मतलब आप जैसे हर आप, मैंने तो ख़ुद भी देखा है आपके घर आके, आप एक अच्छा माहौल रहता है इनके घर में, बातें ये वो, बच्चे आंटी बोल रहे होते हैं, ये सिपारा पढ़ा रही होती हैं मीरब को, इतना मतलब एक बिल्कुल आप फील नहीं करती कि अपनी के जैसे उज़्मा बाजी की औलाद है। मैंने देखा आप बिल्कुल अपनी औलादों की तरह इनको देखती हैं जी। बेशक वो बताएं आपकी फीलिंग्स इन बच्चों के लिए क्या हैं, उज़्मा बाजी के लिए क्या हैं? बच्चे तो देखें ना, अगर किसी के भी हों तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये बाजी उज़्मा के हैं तो फिर बाजी उज़्मा किसकी है, वो भी तो मेरी है ना, मतलब तो फिर बच्चे भी मेरे ही हुए। बिल्कुल हुए, ये बहुत बड़ी बात है। कि देखें एक बड़ी बात उज़्मा बाजी की कि उन्होंने अपने हस्बैंड की शादी करी, लेकिन एक बहुत अच्छी लड़की से की है, बहुत अच्छी लड़की हैं ये, और बहुत ज़्यादा खुश भी रख रही हैं, पूरा घर अच्छे से भी वो करती हैं मैनेज। इनकी एक बड़ी बात ये कि ये पूरे दिल से उन बच्चों को प्यार करती हैं, ये भी ये इनकी हिम्मत और अच्छी बात है। तो भाई चलें, ये इमोशनल मैं तो ये कहूँगी आप इमोशनल नहीं हो, खुशी खुशी इस बात को बताएं सबको, ताकि लोग भी ये देखकर खुश हों के बहुत सारी जगहों पे हसद होना शुरू हो जाता है, ये होना शुरू हो जाता है। आप लोगों में इतना प्यार जो है, जो मैंने खुद भी देखा है, वो उसके बारे में बताएं जी। प्यार तो एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है, ठीक है। आपसे सलम ने फरमाया है कि हुस्ने सलूक करो किसी के साथ भी, अगर वो गैर भी है ना तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। एक अच्छा सलूक ही आप लोगों को आगे लेके जा सकता है। अगर हम किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे, अगर आपके साथ ही मैं गुस्से से बात करूँगी तो आपने तो कहना ये अच्छी नहीं है। अगर हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आपने तो कहना ही हम आप भी अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ भाई, हम मेरी और इनकी इतनी अच्छी दोस्ती हुई हुई है, हम इतनी बातें करते हैं। तो चलें, थैंक यू सो मच, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर किया, लोगों को बताया कि माशाल्लाह से आप कितनी खुश हैं, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। जो कहते हैं ना कि 8 दिन बाद सुनेंगे, ऐसा सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब्बार भाई के साथ कितनी खुश हैं वो भी बता दें जी। उनके साथ भी बहुत खुश हूँ, वो पूरा ख्याल रखते हैं आपका। हाँ जी, जैसे बाजी उज़्मा रखते हैं वैसे मेरा रखते हैं, यानी कि दोनों को बराबर रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये यही सबसे अच्छी बात होती है। तो ये थी हमारी आज की सारी गपशप, तो अल्लाह हाफिज़ हम सबके साथ करेंगे। तो चलें सबके वो लेते हैं और फिर करते हैं हम अल्लाह जी। तो तो सुनिए आप लोगों ने हम सब की बातें, और हम ये मेरी बेटी की भी बातें, तो ये थी सारी वो बातें जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी। तो यहाँ पर अब आप भी एक मैसेज दे दें जी। स्ट्रॉन्ग रहें और अपने बेटों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को और अपने फादर के साथ बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बनाएं, पकीज़ा सा, अच्छा सा, मोहब्बत वाला। तो इससे देखें फिर आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आप लोगों को मैसेज है। तो स्ट्रॉन्ग रहें। तो मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी क्या है, मैं कौन हूँ, वो इनके प्लेटफॉर्म से आपको इंशाल्लाह पता चलेगी। थैंक यू सो मच, देर सारा ख्याल रखें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।